लैंगिक अत्याचार प्रकरणी पोलीस कोठडीची हवा खात असलेल्या स्वयंघोषित आध्यात्मिक गुरु आसाराम बापूच्या शिक्षेवर आज जोधपूर कोर्टात सुनावणी होणार आहे. सुनावणीवेळी हिंसाचार भडकू नये यासाठी जोधपूरपासून दिल्लीपर्यंत कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आलाय. जोधपूरमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आलाय. तर राम रहीम खटल्याच्या वेळी जसा हिंसाचार भडकला होता तसा प्रकार यावेळी होऊ नये म्हणून पोलिसांनी हा बंदोबस्त वाढवलाय. या सुनावणीवेळी आसाराम बापूच्या भक्तांनी उपस्थित राहू नये असं आवाहनही करण्यात आलंय. या प्रकरणी आसाराम बापूची निर्दोष मुक्तता झाली तरीही त्याला तुरुंगातच राहावं लागणार आहे. आसाराम विरोधात गुजरातमध्ये बलात्काराचा खटला सुरू असल्यानं त्याची सुटका होणार नसल्याचं बोललं जात आहे. तर एकूणच आज शिक्षा जी होणार आहे आसाराम बापू या संदर्भात अधिक चर्चा करूयात. शरद पुरोहित आमचे प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत, थेट जाऊया त्यांच्याकडे. शरद, एकूणच आज दिवसभरात काय काय होण्याची संभावना? शरद जी, क्या कुछ होगा आज दिनभर? बिल्कुल बता दूं शुरुआत के पिछले 4:30 से जिस फैसले का इंतजार किया जा रहा था, जो मामला यहाँ पर चल रहा था उसका फैसला आज यहाँ पर. बिल्कुल शुरुआत में बता दूं आपको कि पिछले 4.5 साल से जो मामला यहाँ पर चल रहा था उस पर आज फैसला यहाँ पर आना है. जेल के बाहर मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर पिछले 4.5 साल से आसाराम बापू जिस जेल के अंदर हैं उसके बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह के सुरक्षाओं के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं. यहाँ पर जोधपुर जो कमिश्नरेट हैं वहाँ उनके जवान तो पूरी तरह से तैनात किए गए हैं, साथ में STF को यहाँ पर लगा दिया गया है. रेफ जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसको भी यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है, स्टैंड बाय पे है कि अगर किसी भी तरह की स्थिति में कुछ होता है तो उसको काल यहाँ पर बुलाया जा सके. रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि 3 महीने पहले गठन की गई थी जो कि दंगाइयों से निपटने के लिए काम करती है, तो वो यहाँ पर आ सकती है. इसके अलावा कुछ वाहन मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह के वाहन यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं जो कि दंगे की स्थिति में निपटने के लिए यहाँ पर काम करते हैं. अब आसाराम बापू के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जज कुछ देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं. जो मुख्य कोर्ट है स्वाति, वहाँ पर तो जज पहुँच चुके हैं. यहाँ अस्थायी कोर्ट जेल के अंदर बना दी गई है क्योंकि पुलिस की ओर से एक एप्लीकेशन लगाई गई थी कि जो सुनवाई हो, जो भी फैसला यहाँ पर आए वो जेल से ही अस्थायी कोर्ट लगा कर दिया जाए जिससे कि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके. पहले भी हमने देखा पंचकूला में जिस तरह की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी पुलिस को, इस तरह की स्थिति जोधपुर में ना बने इस तरह का ख्याल रखा गया और इसी के लिए जेल परिसर के अंदर अस्थायी कोर्ट बनाकर इस पूरे मामले पर फैसला दिया जाएगा. कुछ देर में जज यहां पर पहुंच जाएंगे. सबसे पहले आसाराम बापू दोषी हैं या नहीं इस तरह का फैसला सुनाया जाएगा, और उसके 1 से 1.5 घंटे बाद में ये अगर दोषी करार दे दिया जाता है तो उस पर सज़ा सुनाई जाएगी कि आखिर कितने साल की सज़ा हो. तो इस तरह की कार्रवाई आज दिन भर यहाँ पर होनी है. जिस वक्त जी शरद जी, ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर आसाराम निर्दोष भी हो, अगर छूट जाते हैं, फिर भी उनको पुलिस कस्टडी में ही रहना पड़ेगा, तो इस बारे में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल, पुलिस कस्टडी में वो रहेंगे. किसका इसकी वजह ये है कि उनके ऊपर 2 मामले चल रहे हैं. अगर यहाँ से वो बरी भी हो जाते हैं, उन्हें रिहा कर दिया जाता है, तो एक मामला और चल रहा है गुजरात के अंदर, उस मामले में उनको प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा. तो इन दोनों मामलों में अगर यहाँ पर बरी कर दिया जाता है तो गुजरात की जेल में चले जाएंगे, अगर बरी नहीं किया जाता है तो यहीं की जेल में आसाराम बापू रहेंगे. तो उनके लिए मुश्किलें स्वाति किसी भी तरह से कम नहीं होगी. अब यहाँ की स्थिति पर मैं आपको दिखा दूँ, कुछ हलचल यहाँ पर नज़र आ रही है. जज यहाँ पर कुछ देर में पहुँच वाले हैं. यहाँ पर जो सह आरोपी 4 और इसके अंदर हैं आसाराम बापू के साथ में, वो भी कुछ देर में स्वाति यहाँ पर पहुँच जाएंगे. तो 5ों लोग यहाँ पर कोर्ट में मौजूद रहेंगे, जज मौजूद रहेंगे, और उसके बाद में जो अस्थायी कोर्ट यहाँ पर लगाई गई है उसके अंदर फैसला सुनाया जाना है कि जिस युवती ने आरोप लगाए थे, सबसे पहले तो वो नाबालिग थी और उसने आरोप लगाया कि यहाँ पर जो जोधपुर का आश्रम है उसमें बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया. तो इसी की पड़ताल पिछले 4.5 साल तक चलती रही. इसके अंदर गवाह बनाए गए, 50 गवाह बनाए गए थे आरोपी पक्ष यानी आसाराम बापू की ओर से, और जो वादी पक्ष है, जो पीड़िता का पक्ष है, उसकी ओर से 58 गवाह इसमें तैयार किए गए थे. तो उन्हीं सारे गवाहों को सुनने के बाद में आज ये फैसला आना है कि आखिर क्या सजा होगी या नहीं होगी, वो दोषी करार
साथ ये जाते हैं या नहीं जाते, इस बारे में कुछ देर में फैसला हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। शरद जी, क्या कुछ कितने बजे तक ये सुनवाई होने की संभावना? स्वाति, लगभग आधे घंटे में बताया जा रहा है कि जो मुख्य कोर्ट है वहाँ तक तो जज पहुँच चुके हैं। मुख्य कोर्ट से यहाँ अस्थायी जो कोर्ट बनाई गई है, यहाँ पर जज को पहुँचना है तो लगभग आधा घंटे का समय माना जा रहा है। उसके बाद में 15 से 20 मिनट कार्रवाई चलती है, तो उसके बाद में ये सजा सुना, ये करार कर दिया जाएगा, फैसला दे दिया जाएगा कि वो दोषी हैं या नहीं। अगर दोषी दे दिया जाता है स्वाति, तो लगभग फिर एक से डेढ़ घंटे का समय इसमें लगेगा कि कितने साल की सजा दी जाए, वो उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया लगभग अभी 3 से 4 घंटे की यहाँ चलेगी और उसके बाद में सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल शरद जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस विस्तृत जानकारी के लिए। तर एकूणच आता आसारामच्या समस्या आणखीन वाढतच जाणार आहेत। श्री 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।